स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेलेशन। हम देखेंगे कॉन्स्टेलेशंस क्या होती हैं। कॉन्स्टेलेशंस हमारे पास आ जाती हैं अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट क्रिएट अ रिकग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई। ठीक है, हम कहते हैं कि सितारों का जमघटा होता है, सितारों का ग्रुप होता है आसमान पे। कुछ ब्राइट स्टार्स जो होते हैं, कुछ ब्राइट किस्म के जो ज़्यादा चमकदार स्टार्स होते हैं, हम उनकी बात कर रहे होते हैं कि वो जो है वो कोई पैटर्न बना रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि इधर डिफरेंट ये जो स्टार्स हैं इनके पैटर्न बना रही है, जो लाइंस लगाई हुई इनसे हम दिखा रहे हैं कि ये कोई पैटर्न सा बन रहा है। तो समटाइम्स किसी एनिमल की किसी एनिमल का पैटर्न बन रहा होता है, किसी एनिमल की शेप बन रही होती है, डिफरेंट शेप्स बन रही होती हैं किसी ऑब्जेक्ट की, वैसे ही शेप बन रही होती है। तो ये कॉन्स्टेलेशंस जो हैं वो खुद ही तख्लीक की हुई है, यानी कि इमेजिनरी लाइंस हैं। ये लाइंस बनाकर कोई शेप जो है वो इमेजिन की हुई होती है। जिस तरह से एक कॉन्स्टेलेशन है सेंटोरस के नाम से, सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन, तो ये इसकी इमेज हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि हमें कॉन्स्टेलेशंस नज़र आमतौर पे कब आती हैं। हमें कॉन्स्टेलेशंस आमतौर पे नज़र आ रही होती हैं जब हम बहुत रात के टाइम, हम बिल्कुल जब हम देखते हैं क्लियर स्काई होता है, ठीक है ना, एक तो बहुत गहरी अंधेरी रात हो और आसमान बिल्कुल साफ़ होता है, बादल नहीं होते, तो क्या होता है कि हमें उस वक्त बेशुमार सितारे उस वक्त ज़्यादा विजिबल होते हैं। आमतौर पर इतने सितारे नज़र नहीं आ रहे होते, तो हमें तकरीबन 1000 से 1500 सितारे जो हैं वो आराम से, एक जब आसमान साफ़ होता है, बादल नहीं होते, तो आराम से हमें इतने सितारे नज़र आ सकते हैं। अब तक की अगर हम बात करें कि कितनी कॉन्स्टिलेशंस जो हैं वो मौजूद हैं, अब तक जो है वो ऑफिशियली जो एस्ट्रोनॉमी की जो मेजर यूनियंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो 88 ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशंस जो हैं वो उनकी निशानदही कर चुकी है, जो कि हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि ऐसे यूनिवर्स जो कि हम देख सकते हैं, यानी कि वो स्टार्स जो हमें नज़र आते हैं आसमान पर दिखाई देते हैं, उनमें 88 जो है वो कॉन्स्टिलेशंस जो हैं वो रजिस्टर्ड या रिकग्नाइज्ड हैं, इनकी इनकी निशानदही की गई है। तो इनमें क्या है कि ज़्यादातर जो हैं उनका नाम जो हम देख रहे हैं, जिस तरह सेंटोरस नाम हम देख रहे हैं कॉन्स्टिलेशन का नाम है, तो ये क्या होते हैं, ये जो फर्जी क्रिएचर्स होते हैं, फर्जी कुछ क्रिएचर्स बनाए हुए होते हैं, फर्जी किरदार होते हैं डिफरेंट ट्रेडिशंस में, डिफरेंट कल्चर्स में, तो उनके नामों पर जो है ये अक्सर कॉन्स्टिलेशंस के नाम ऐसे ही मिलते हैं। अब ये कॉन्स्टेलेशंस यूज़ कहाँ कहाँ हो रही होती हैं, ये कॉन्स्टेलेशंस जो हैं जो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स छोड़ी हुई हैं स्पेस में, उनमें उनको ट्रैक करने के लिए भी यूज़ होती हैं। ये जो हमारे पास कॉन्स्टेलेशंस हैं, ये सितारों के नाम जो है आसमान पे सितारों के, क्योंकि हर सितारे जो विजिबल सितारे और जो ब्राइट सितारे हैं उन सब के नाम हैं, ठीक है, उनके नाम रखे गए हैं, एस्ट्रोनॉमर्स ने उनके नाम रखे हुए हैं, तो उन स्टार्स के नाम याद रखने के लिए, उनके उनको उनकी लोकेशन याद रखने के लिए भी इन पैटर्न्स को जो है, कॉन्स्टेलेशन के पैटर्न्स को जो है ये यूज़फुल होते हैं। इसी तरह एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं और जो नेविगेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग समंदर में जो सफ़र कर रहे होते हैं, समंदरी सफ़र के दौरान वो किस तरह से लोकेशन देख रहे होते हैं, रास्तों का किस तरह देख रहे होते हैं, वहाँ कोई गलियाँ तो नहीं हैं, कोई सड़कें तो नहीं हैं, तो समंदर में, खुले समंदर में जो दूर दूर तक समंदर है, तो वो इन कॉन्स्टेलेशन से जो है, इन सितारों से वो जो है वो डायरेक्शन मालूम करते हैं, उनसे डायरेक्शन का पता चलता है उनको। इसी तरह कॉन्स्टेलेशंस, ये जो कॉन्स्टेलेशंस हैं, ये आसमान के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं कि आसमान की जो टेरिटरीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये यूज़ हो रहे होते हैं। जिस तरह से हम इसकी एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेलेशन सेजिटेरियस एक हमारे पास कॉन्स्टेलेशन है। जब एस्ट्रोनॉमर्स बात करते हैं कॉन्स्टेलेशन सेजिटेरियस की, माहिर फल्कियात बात करते हैं किसकी, कॉन्स्टेलेशन सेजिटेरियस की, तो वो किस टेरिटरी की बात करते हैं, आसमान पे किस जगह की निशानदेही कर रहे होते हैं, वो तकरीबन सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर रहे होते हैं, जो कि सेजिटेरियस डायरेक्शन होती है मिल्की वे गैलेक्सी में, वो सेंटर के करीब करीब होती है, तो उसकी बात की जाए तो हम बात करते हैं, या एस्ट्रोनॉमर्स जो बात करते हैं वो कॉन्स्टेलेशन सेजिटेरियस की बात कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पर हमने सेंटोरस की बात की थी, कॉन्स्टेलेशन सेंटोरस की. तो देखें ये हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद होता है. जब हम अर्थ को देखते हैं, हम ग्लोब अगर देखें, तो इसका इसके दो हम हेमिस्फीयर्स कहते हैं. एक लोअर हेमिस्फीयर जो है जिसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और अपर हेमिस्फीयर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर हमारे पास ऊपर ऊपर जितना ऊपर जाएँ हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज़ ज़्यादा आ जाते हैं. नीचे की तरफ जाएँ तो हमारे पास कौन से कंट्रीज़ मौजूद होते हैं, जिस तरह अफ्रीका के और ऑस्ट्रेलिया के कंट्रीज़ मौजूद होते हैं. तो ये सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन जो है ये ज़्यादातर कहाँ पर विजिबल है, ये हमें साउदर्न हेमिस्फीयर में विजिबल है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ या फिर न्यूजीलैंड, तो उधर के आसमानों पे ये हमारे पास जो पैटर्न है ये विजिबल होता है. और ये बहुत बड़ी बड़ी जो कॉन्स्टेलेशन है उनमें से एक है. ये बहुत बड़ी कॉन्स्टेलेशन है, बड़ी यानी लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या है, जो ब्राइट स्टार्स हैं ना जिनसे मिलके कॉन्स्टेलेशंस बनी होती हैं, इनमें बहुत सारी वो बहुत सारी ब्राइट स्टार्स पे मुश्तमिल है. ये कॉन्स्टेलेशन बहुत सारे ब्राइट स्टार्स पे मुश्तमिल है. अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टेलेशंस की, तो एक और हमारे पास पैटर्न ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स या पैटर्न ऑफ स्टार्स होता है जिसको हम कहते हैं एस्टेरिज्म. ये कॉन्स्टेलेशन नहीं होते लेकिन इनमें भी स्टार्स का जमघट्टा होता है और वो कोई पैटर्न बना रहे होते हैं, लेकिन इनको हम कॉन्स्टेलेशन नहीं कहते. और ये आमतौर पर बहुत बड़े बड़े नहीं होते, छोटे ही होते हैं. और ये भी हो सकता है कि डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस के कुछ स्टार्स जो हैं वो आपस में मिलके पैटर्न कोई बना रहे हों. जिस तरह यहाँ पर हम कुछ एस्टेरिज्म भी देख लेते हैं. इस इमेज में ये हमें आसमान का कुछ हिस्सा दिखाया गया है. अब इसके अंदर हम एक कॉन्स्टेलेशन देखेंगे, एक एस्टेरिज्म देखेंगे. यहाँ पर आप देख रहे हैं द बिग डिपर, ठीक है. ये द बिग डिपर के नाम से जो मौजूद है ये हमारे पास है एस्टेरिज्म. ये एस्टेरिज्म है. अच्छा, ये जो हम पार्ट दिखा रहे हैं स्काई का, ये नॉर्दर्न स्काई का, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्काई पे हमने देखा तो हमें ये नज़र आता है, ठीक है. तो इसमें द बिग डिपर के नाम से एक एस्टेरिज्म है. ये पांच सितारों पे मुश्तमिल है, 1, 2, 3, 4 और ये 5. ऐसे बना होता है जैसे कोई हैंडल सा बना हुआ हो, या हैंडल नुमा एक कप है और उसका हैंडल है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है. तो ये 5 सितारे होते हैं, एक ये वाला, 1, 2, 3, 4, 5. इन 5 सितारों पर ये मुश्तमिल होता है, इसे द बिग डिपर कहते हैं. इसके साथ ही मौजूद होता है यहाँ पर द स्मॉल डिपर भी, और उसको भी हम देख लेते हैं. स्मॉल डिपर कहाँ पे मौजूद है, ये एक और हम यहाँ पर डायग्राम ले आए हैं. थोड़ा सा अपसाइड डाउन है, वो हम दूसरे एंगल से देख रहे थे. अब ये कहें ये द बिग डिपर आ गई, ठीक है. इसके 1, 2, 3, 4, 5 ये इसके 5 स्टार्स, और ये स्मॉल डिपर है. ये स्मॉल देखें, ये भी बिल्कुल इस तरह लग रहा है जैसे कप है और इसके साथ में हैंडल है. तो ये हमारे पास स्मॉल डिपर है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इसमें भी हमारे पास 5 स्टार्स हैं. ये जो दो स्टार्स हैं जब इनके साथ इसको कनेक्ट करते हैं इसकी लाइन को, स्मॉल डिपर की लाइन को, तो एंड पे हमारे पास यहाँ पर जो है वो पोलैरिस आ जाता है, ठीक है, पोलैरिस. अब पोलैरिस जो है इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, ठीक है. ये आ गए हम देखने कि ये ये जो है वो नॉर्थ स्टार हमारे पास आ गया. और नॉर्थ स्टार तो बहुत मशहूर स्टार है, ये तो लोकेशन सर्च करने के लिए कदीम ज़माने से यूज़ होता चला आ रहा है. इसके अलावा वापस हम अपनी फिगर पे आते हैं, इस वाली पे, और इसमें हम देखते हैं कि नॉर्थ स्टार के करीब ही ये हमें 5 स्टार्स का, 5 ब्राइट स्टार्स का एक क्राउन सा नज़र आता है. ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस हमारे पास कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है. ये एस्टेरिज्म नहीं है, कॉन्स्टेलेशन है. ये बहुत फेमस कॉन्स्टेलेशन है कैसियोपिया के नाम से, ठीक है. कैसियोपिया के नाम से ये कॉन्स्टेलेशन है, और हमें आसमान पे बड़े आराम से जो नॉर्दर्न स्काइज़ हैं उनमें स्पेशली बहुत आराम से ये 5 स्टार्स का ये क्राउन सा, या हम कहते हैं W या M सा बना हुआ नज़र आता है. तो ये भी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेलेशन है. और कॉन्स्टेलेशंस हमने क्या कहा, क्या होते हैं कॉन्स्टेलेशंस, हमारे पास होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट क्रिएट अ रिकग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई.